राधे राधे सभी को। आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। आज महाशिवरात्रि पे पूजा पाठ करेंगे, जो जो करते हैं मैं आपको दिखाती जाती हूँ, देखते जाइए। सबसे पहले मंदिर की थाली तैयार कर ली थी मैंने, मंदिर में जो सामान लेके जाना था, बेलपत्र वगैरह, फूल वूल सब, और ये की थाली तैयार कर ली। अब अपने घर के मंदिर में बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। अब आप देखिए, आप सभी को राधे राधे। अब मैं आगे क्या क्या करती हूँ आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम भोलेनाथ को दूध से स्नान कराएंगे। दूध से स्नान कराने के बाद में फिर मैंने शहद से किया, शहद लगाया भोले बाबा को, उसके बाद में घी लगाया, फिर मीठा लगाया। इन सब चारों पांचों चीज़ों से मिलकर भोले बाबा का पंचामृत बनाकर स्नान करा दिया। स्नान कराने के बाद में अब हम अपना पूजा शुरू करेंगे। ये देखिए, स्नान हो चुका है बाबा को। अब उसके बाद छींटे लगा दिए। छींटे के बाद में अब मैं तिलक लगा रही हूँ। फिर उसके बाद में चंदन का तिलक लगाया बाबा को। तिलक लगाने के बाद में फिर मैंने अब आगे माला पहनाई भोलेनाथ को। माला पहनाने के बाद में फिर उसके बाद में कोकोमा चिल्लाने लग रहा है, तो अब आप जल्दी जल्दी मेरी सुन लो। इसके बाद में बेलपत्र चढ़ाया। बेलपत्र के बाद में मैंने आँख धतूरा चढ़ा दिया। धतूरे के बाद में बेलपत्र चढ़ा दी। बेलपत्र के बाद में आँख का चढ़ा दिया। जो जो चीज़ें भोलेनाथ पे चढ़ाई जाती हैं वो सब चीज़ें चढ़ा के अब अपने दिया बाती कर रही हूँ। दिया बाती के साथ दिया जला दिया। दिया जलाने के बाद में धूप बत्ती करके फिर आरती भी की थी। ओम नमः शिवाय बोले जा रही थी मन ही मन में, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह करके पूजा पाठ कर रहे थे। और ये मेरी अब धूप बत्ती भी जल गई है। धूप बत्ती जलने के बाद में ये मैं आरती कर रही हूँ। आरती के बाद में अब हमारा हो गया है घर की पूजा का समापन। अब उसके बाद में हम लोग मंदिर जाएंगे। मंदिर में जाके भोले बाबा की पूजा करेंगे। अब आपको मैं मिलती हूँ बाद में, जब पार्थिव सिंहलिंग की पूजा करूंगी तब। उससे कहा भाई तू भी जल पूजा, अब बेटी लगा के पूजा कर लो। अब उसने पहले भोले बाबा को हल्के से जल के छींटे लगाए, उसके बाद में उनको तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद में हाथ जोड़े, फिर मैंने उसको बोला भाई बेलपत्र भी चढ़ा दो, तो फिर बेटी ने बेलपत्र चढ़ा दिए। मैं बोल रही थी भोलेनाथ इनकी भी सुनो, बस इनको भी जल्दी से इनके घर पे बेलपत्र चढ़ाने के बाद मैं इसकी पूजा हो गई संपन्न। ये दीदी चल। अब उसके बाद में बेटे का नंबर आया, फिर इसको बताया भाई ऐसे ऐसे करके छींटे लगाओ, ये सब पूजा करो भोलेनाथ की। भोलेनाथ से प्रार्थना की, भोलेनाथ इसको बल बुद्धि विद्या सब देना। बच्चे आजकल के मन भटकते रहते हैं, इनका मन भटकने मत देना। बस इसने भी अपनी तरफ से पूजा पाठ कर दी थी। पापा ऑफिस गए हैं तो पापा पूजा नहीं कर पाए, सुबह बस ऐसे ही दर्शन कर गए थे। अब ये बेलपत्र चढ़ा रहा है भोलेनाथ को। इससे भी कहा भाई तू भी कुछ मांग ले, तुझे मांगना है, पर इसे कुछ नहीं मांगना था, जो मांगना हम ही मांग लेंगे इसके लिए। ये हो गई हमारी यहाँ की पूजा संपन्न। अब मैं नीचे उतर गई हूँ। नीचे उतरी तो मैं श्वेता का इंतजार कर रही थी, अब श्वेता आ गई हैं। अब हम लोग जा रहे हैं बगल वाली सोसाइटी में मंदिर में दर्शन करने और पूजा पाठ करने। अब वहाँ पे कुछ लोग थे, भीड़ लग रही थी, आप लोग देखिए। फिर उसके बाद में श्वेता ने पूजा पाठ की। मैंने कहा पहले तुम कर लो, बाद में हम कर लेंगे, इस तरह करके दोनों की वीडियो भी बन जाएगी। तो अब हम दोनों पूजा पाठ कर रहे हैं भोलेनाथ का। इनके टाइम में थोड़ी भीड़ कम थी तो मजे से पूजा हो गई। मुझे भी तसल्ली है कि लेके आए तो भाई इनकी भी पूजा अच्छी हो। उसके बाद में अब मेरा नंबर आया, मेरे नंबर के टाइम पे, और ये फैमिली आ गई थी तो ये लोग भी पूजा कर रहे थे। मैं भी इंतजार कर रही थी भाई हटे तो हम भी कर लें। फिर उसके बाद मैंने मेरा नंबर जब आए पर मैंने कहा देखो तुम थोड़ा सा मुझे खबर कर लेना, बाकी मैं भोलेनाथ के दर्शन आप लोगों को कराती हूँ। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, सब लोग भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा पाठ कर रहे थे। देख के आनंद आ रहा था, पर नंबर का भी इंतजार हो रहा था कि कब नंबर आएगा, कब हम पूजा पाठ करेंगे। फिर थोड़ा सा लाइन लगा के हमने अपनी जगह बनाई ली। उसके बाद में मैंने भोलेनाथ को जल चढ़ाया। मैं कहा मैं साइड में से जाती हूँ, वहाँ से ही करती हूँ। फिर मैंने भोलेनाथ को जल चढ़ाया, पूजा पाठ शुरू कर दी। श्वेता कह रही तुम दिखाई नहीं दे रही भाभी। मैंने कहा कोई बात नहीं, जल दिख जाए, भोलेनाथ दिख जाए, इतना ही बहुत है। उसके बाद में जल चढ़ाने के बाद में फिर आगे गई, आगे जा रही थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा मटकी में डाल दिया। उसके बाद में साथ में से साइड में गई, फिर गौरा माता को चढ़ाया जल। गौरी माँ को भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा था रास्ता, बस चढ़ाई ली, पूजा कर ली। उसके बाद में पूजा जल चढ़ाने के बाद में फिर मैंने दियावाती की तैयारी करी। अब बेलपत्र चढ़ा दी,
बेल पत्र के बाद में बेल चढ़ा, बेर चढ़ाए जो भांग धतूरा, बेल पत्र बेल फल जो ले गई थी वो चढ़ाए। वो बार बार कह रही आप नहीं दिख रही, थोड़ी गर्दन झुकाओ। मैंने भैया ले तुम मुझे देख लो, हो जाएगी। ये सब चढ़ाने के बाद में बगल वाले लगे हुए थे, साथ में एक लेडी लगी थी, वो बेल पत्र में बेल पत्र चढ़ाए जा रही थी। ये देखो वो भी माला मूला चढ़ा रही थी, उनकी भी कवरेज दे देते हैं थोड़ी सी, कोई बात नहीं। और इतने में पे उतर मैंने अपने बाती तैयार कर ली थी, बाती के साथ में फिर मैं दिया जला रही थी। ये मेरा दिया बाती जल गए, उसके बाद हम दोनों ने मिलकर आरती करी, थोड़ी सी आरती उरती सी करी थी। उसके बाद में लो आप भोलेनाथ के दर्शन कर लो पूरा अच्छे से। भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद देखो फूल वूल चढ़ के बड़े प्यारे लग रहे थे। फिर हम लोग चल दिए अपने घर। अब मैं घर आ गई हूँ, घर आके मैंने देली की पूजा की। देली को हमारे में कहते हैं सीली कर दो, मतलब ठंडी देली कर दो, ये ज़रूरी होती है और स्वास्तिक के निशान बनाए। उसके बाद में बाद में एंट्री कर रही थी, नोनू बोला मम्मी जल्दी आ जा, कोको देखो चार कर रहा है। मैंने बोला भाई पूजा पाठ तो कर लेने थे चैन थे। फिर वो पूजा करके देखो ये मेरा लल्ला कितने पूछ हिला हिला के राजी हो रहा है मेरे को देख के कि मम्मी आ गई, खुश हो रहा है। अब इसको भी चाहिए प्रसाद, अब इसको मैं दूंगी प्रसाद तो ये भी शांति से बैठ जाएगा। देखो देखो तो कैसे हिलने लग रही है। उसके बाद में इसको देखो कैसे मजे से देखने लग रहा है। नोनू बार बार कह रहा है मम्मी देख तुझे देख के बहुत खुश हो रहा है, और ये राजी राजी हो रहा था। फिर मैं अंदर गई मेरे और सामान ये रख के अपना जो पार्थिव शिव जी बनाए थे उनकी पूजा करने के लिए। ये मैं तुलसी जी में पूजा कर रही हूँ, ये देखिए बड़े प्यारे बने थे, पहली बार बनाए पर बहुत अच्छे बने थे, खुद ही तारीफ कर रही हूँ देखिए। अब उसके बाद में पहले जल से स्नान कराया, जल से स्नान करा दिया। स्नान कराने के बाद में फिर दूध से स्नान कराया, उसके बाद में फिर जल से स्नान कराया, तब जाके हमारा स्नान पूरा हुआ। उसके बाद में फिर मैंने तिलक लगाया भोलेनाथ को। तिलक लगाने के बाद में आगे अपने माथे पे भी लगा लिया, उसके बाद में बेल पत्थर चढ़ा दी। पहले बेल पत्थर पे तिलक लगाया तीनों पत्तियों पे, उसके बाद में भोलेनाथ पे हमने बेल पत्थर चढ़ा दी। बेल पत्थर के बाद में ये फूल धतूरा आग का पत्ता ये सब चढ़ाए, बेर चढ़ा दिए। बेर चढ़ाने के बाद में फिर मैंने दियाबाती की तैयारी करने लगी। उसके बाद में अब अभी भी ढूंढे जा रही हूँ। फिर ये वाइट वाला फूल था ये भी चढ़ा दिया कि मेरे भोले बाबा चमकते रहे, मुझे खुद ही बहुत अच्छे लग रहे थे। अब ये दीपक जला रही थी, दीपक जलाने के बाद में ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ रही थी, अब आरती करने लगी। उसके बाद में धूप बत्ती जलाई, अभी इनको टिका रही हूँ दिए को कि भाई हवा बहुत तेज चल रही है क्योंकि घर पे बहुत ऊंचाई पे होने पे हवा बहुत ज़्यादा लगती है। अब बत्ती जला रही हूँ, कह रही बोले ना तो जरा दिया जला रहे थोड़ी देर तो जलाओ आप। और उसके बाद में दिया खूब अच्छे से जलता रहा। धूप बत्ती जलाने के बाद में आरती करने के बाद में फिर मैंने कपूर से आरती की, कपूर जलाया। कपूर जलते ही आप देखिए एक तो हवा तेज थी, कपूर तो वैसे ही जल्दी से आग पकड़ता है, ऐसे हो गया सोने पे सुहागा। खूब भोलेनाथ की मस्त वाली आरती कर दी है और भगवान से आशीर्वाद ले लिया है। हे भगवान बस सब कुछ सही रखना जिस तरह आप रखते आ रहे हो। और उसके बाद में अब हम आपको मिलते हैं विसर्जन के टाइम पे। शाम को मेरे पति देव घर आ गए, तब उसके बाद में हमने दोनों ने मिल के भोलेनाथ का विसर्जन किया। भोलेनाथ के ऊपर सब सामान जो भी था सब उसी में डाल के विसर्जन कर दिया। कल इसको गमले में रख देंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए अब बाकी मेरे पति देव जल डालने लग रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।